दोस्तों नमस्कार। दोस्तों किसी भी शेयर ब्रोकर को डिफॉल्टर घोषित किया जाना और उसकी सदस्यता रद्द की जानी बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे में देश की जानी मानी शेयर ब्रोकिंग कंपनी कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। साथ ही साथ शेयर बाजारों ने उसे डिफॉल्टर भी घोषित किया है। आपको बता दूं कि जो लोग शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं, पैसा लगा करके पैसे कमाते हैं, उनको मालूम है कि इसके लिए किसी अच्छे और सेबी लाइसेंस प्राप्त शेयर ब्रोकर के यहाँ डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना होता है। साथ ही साथ उनके पास सेविंग्स अकाउंट भी होना चाहिए। तो कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग का जो है डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया है, उसकी सदस्यता भी समाप्त की गई है। अब क्यों की गई है वो भी जान लीजिए। तो पहला है कि इस ब्रोकरेज कंपनी ने ग्राहकों से पूछे बगैर उनके खाते से शेयर अपने खाते में ले लिए और ये शेयर बेच दिए। कंपनी ने ग्राहकों से मिले पावर ऑफ अटॉर्नी यानी अधिकार पत्र का दुरुपयोग करते हुए ये शेयर बेच दिए और उनसे मिली रकम को अपनी दूसरी इकाई में झोंक दी। तीसरा, बैंकों से कर्ज लेने के लिए कंपनी ने ग्राहकों के शेयर गिरवी भी रख दिए। तो अब ऐसे में तीन स्थिति उत्पन्न होती है। पहला कि कई निवेशकों के पैसे फंसे होंगे, हालांकि ज्यादातर निवेशकों ने पैसे निकाल लिए हैं, फिर भी माना जा रहा है कि 90,000 निवेशकों के पैसे अभी भी कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग के यहां फंसा हुआ है। दूसरी बात यह हो सकती है कि कई निवेशकों के शेयर भी अभी कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग के यहां पड़े होंगे, तो उन्हें दूसरे शेयर ब्रोकर के यहां ट्रांसफर करना होगा। तो कैसे ट्रांसफर करना होगा ये मैं आपको बताऊंगा। तीसरी बात हो सकती है कि कई लोगों ने कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग के जरिए म्यूचुअल फंड स्कीमों में पैसे लगाए होंगे, तो अब उन्हें क्या करना होगा ये भी मैं इस एपिसोड में आगे बताऊंगा। साथ ही साथ मैं ये बताऊंगा कि जिन 90,000 निवेशकों के पैसे अभी भी कार्वी में फंसे हुए हैं, वो कैसे अपने पैसे वापस ले सकते हैं। तो बाजार के जानकारों की माने तो अगर कोई ब्रोकरेज कंपनी डिफॉल्टर करार दी जाती है तो ग्राहक निवेशक सुरक्षा कोष यानी IPF यानी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड से 25,00,000 रुपए तक का दावा कर सकते हैं। अगर ये डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है तो सारी देनदारी ब्रोकर की होती है, यानी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड से आप 25,00,000 रुपए तक दावा कर सकते हैं अगर किसी शेयर ब्रोकर को डिफॉल्टर घोषित किया गया है तब। तो दावा कैसे करना है और दावा जरूर करें लेकिन कैसे करना है वो भी जान लीजिए। तो जिन ग्राहकों का दावा बनता है मगर जिन्होंने अभी तक शिकायत नहीं की है, उन्हें फौरन अपने एक्सचेंज के निवेशक शिकायत प्रकोष्ठ यानी IGC से संपर्क करना चाहिए। तो एक्सचेंज अपने यहां कौन कौन सा एक्सचेंज है, तो BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वहां जाकर के उनके उन एक्सचेंजों के जो निवेशक शिकायत प्रकोष्ठ है वहां पर आपको शिकायत करनी होगी। तो इन एक्सचेंज के की वेबसाइट क्या है इसकी जानकारी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आप उस वेबसाइट पर जाकर के वहां से निवेशक शिकायत प्रकोष्ठ में जाकर के आप दावा कर सकते हैं। IGC हर शिकायत को जांचेगा और कुल शिकायतें देखकर देनदारी तय करेगा। अगर दावा सही हुआ तो सबसे पहले एक्सचेंज के पास पड़ी कार्वी की परिसंपत्तियों और उसके बाद निवेशक कोष से रकम दी जाएगी। इसमें कुछ वक्त लग सकता है। दावा करने के लिए ग्राहकों को एक्सचेंज के सामने अपने शेयर गायब होने का सबूत रखना पड़ेगा। अब सवाल है कि जो आपके शेयर गायब हुए हैं उसका सबूत आप कैसे देंगे, तो इसके बारे में बाजार के एक्सपर्ट क्या कहते हैं। अपने डिपॉजिटरी जैसे कि NSDL या CDSL से अपने डीमैट खाते में हुए लेन देन का ब्यौरा लीजिए। इसमें साफ दिखेगा कि कार्वी ने आपके डीमैट खाते से शेयर अपने पूल खाते में डाल लिए। तो यहां पर डिपॉजिटरी है NSDL या CDSL। तो NSDL का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और इसकी वेबसाइट है www.nsdl.co.in और दूसरा है CDSL यानी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड और इसकी वेबसाइट है www.cdslindia.com। तो यहां पर जाकर के आप अपने खाते में जो शेयरों का लेन देन हुआ है उसकी जानकारी ले सकते हैं और इस जानकारी को आप एक्सचेंज के जो निवेशक शिकायत प्रकोष्ठ है उसे दे सकते हैं प्रूफ के तौर पर। अब अगर
आपका शेयर फंसा हुआ है कार्वी के पास, तो कैसे क्या करेंगे? तो जिन निवेशकों ने कार्वी में अपने डीमैट खाते में रखे शेयर नहीं निकाले हैं, वो किसी दूसरी ब्रोकरेज कंपनी में खाता खोल करके ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके लिए उन्हें कार्वी से क्लाइंट मास्टर रिपोर्ट यानी CMR लेनी होगी। CMR में ग्राहकों की ID, DP यानी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ID, संपर्क विवरण आदि का जिक्र होता है। इस बारे में एक और बाजार के जानकार कहते हैं कि जब आप शेयर एक डीमैट खाते से दूसरे डीमैट खाते में ले जाते हैं तो शुल्क लगता है, मगर एक डीमैट खाता बंद करके दूसरा खाता खोलने पर कोई शुल्क नहीं देना होता है। तो चूंकि आपने आपका एक खाता बंद हो चुका है और दूसरे खाते में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो आपको ट्रांसफर शुल्क के रूप में एक भी पैसा नहीं देना होगा, जैसा कि बाजार के जानकार कहते हैं। नई ब्रोकरेज कंपनी को CMR का कागज भेजना पड़ेगा। खाता खोलने का ज्यादातर काम ऑनलाइन किया जा सकता है। शेयरों का मालिकाना हक नहीं बदलता है, इसलिए एक खाते से दूसरे खाते में शेयर ले जाने पर कोई कर नहीं देना होगा। अब सवाल है कि कैसे करेंगे? तो इसके लिए निवेशकों को मौजूदा ब्रोकर कार्वी से डेबिट इंस्ट्रक्शन स्लिप लेकर भरवाना होगा। स्लिप में ISIN नंबर भरना होगा। इसके बाद जिस ब्रोकर के पास शेयर ट्रांसफर करना है उसका 16 कैरेक्टर वाला टारगेट क्लाइंट कोड भरना होगा। इसमें डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट और ब्रोकर दोनों का ही कोड शामिल होता है। अगर पुराने और नए ब्रोकर दोनों ही NSDL में मेंबर हैं तो इसमें इंट्रा डिपॉजिटरी ट्रांसफर होगा। ऐसे में डेबिट इंस्ट्रक्शन स्लिप में ऑफ मार्केट ट्रांसफर लिखना होगा। स्लिप को भरकर उसमें साइन करके मौजूदा ब्रोकर यानी कार्वी को देना होगा। आमतौर पर 5 से 6 दिन में शेयर ट्रांसफर हो जाता है। अगर आप ऑनलाइन शेयर ट्रांसफर करते हैं तो इसके लिए CDSL NSDL की वेबसाइट पर जा सकते हैं। और इसकी वेबसाइट क्या है, इसकी जानकारी मैंने आपको पहले दे दी है। वैसे मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी CDSL और NSDL की वेबसाइट का वेब एड्रेस मैं दे दूंगा। तो वेबसाइट पर जा सकते हैं, यहाँ रजिस्ट्रेशन करना होगा, पूरा फॉर्म भरकर सबमिट करना होगा। तो ये तो हो गया कि जिनका पैसा फंसा हुआ है या फिर जिनका शेयर अभी तक कार्वी के पास पड़ा हुआ है। अब सवाल है कि जिन्होंने कार्वी के जरिए म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए हैं उनको क्या करना पड़ेगा? तो कई निवेशकों ने कार्वी के जरिए म्यूचुअल फंड भी खरीदे हैं। अगर आपने कार्वी की म्यूचुअल फंड वितरण सेवा ली है तो रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंसी यानी RTA की वेबसाइट पर जाएं, जो कैम्स या KFintech हो सकती है। तो कैम्स की वेबसाइट की जानकारी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और KFintech की वेबसाइट की भी जानकारी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप वहां से ऑनलाइन जा करके काम पूरा कर सकते हैं। वितरण सेवा रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंसी के वेबसाइट पर जाएं, जो कैम्स या फिनटेक हो सकती है। वहां जाने के बाद अपना ईमेल आईडी डालकर सभी RTA में पड़े अपने फंडों का पूरा ब्यौरा मंगा सकते हैं। फंड भुनाकर रकम पाने की अर्जी म्यूचुअल फंड कंपनी की वेबसाइट पर डाली जा सकती है। अगर आपने कार्वी में अपने ट्रेडिंग खाते से म्यूचुअल फंड खरीदे हैं तो पहले पता कीजिए कि आपकी यूनिट सुरक्षित है या नहीं है। कंपनी से बात कीजिए और यूनिट बेचकर रकम ले लीजिए। तो इस तरह से जिनका शेयर फंसा हुआ है, जिनके पैसे फंसे हुए हैं और जिन्होंने कार्वी के जरिए अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसे लगाए हैं, वो अपने पैसे कैसे वापस ले, इसकी पूरी जानकारी मैंने आपको इस एपिसोड में दी है। तो आप इसका फायदा उठाएं और अपने एक एक पैसे का हिसाब लें, क्योंकि आपने बहुत मेहनत से पैसे कमाए हैं तो हर पैसे को सुरक्षित रखना आपकी जिम्मेदारी है। तो चूंकि इस YouTube चैनल का मकसद ही है कि आप अपने पैसे को खुद ही संभालें, यानी बी योर मनी मैनेजर, तो अगर आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और पैसों से जुड़े हुए कोई भी सवाल हो तो जरूर पूछें। तो आज इतना ही, नमस्कार।